सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में ना मैंने जितने भी इलिमिनेटेड टॉपिक्स हैं ना जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस से डिलीट हो गए हैं, मतलब न्यू एनसीईआरटी बुक्स में जो चेंज्ड एनसीईआरटी बुक्स आई हैं तो उसमें कुछ करिकुलम चेंज हो गया। तो वो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, वो जो इलिमिनेटेड टॉपिक्स हैं, उसकी लिस्ट ना हमने यहाँ पे कंपाइल की है। तो ध्यान से देखो, 11th का सबसे पहले फिजिक्स। 11th की फिजिक्स में कंप्लीट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड जो है वो रिमूव हो गया। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी, प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स, एरर्स जो कि एक मेजर पार्ट है वो भी रिमूव हो गया। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जेई में और नीट में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस में ये जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो गए हैं। मतलब अगर तुम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अच्छा, थर्ड, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में एक्सटी ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये डिलीट हो गया सब कुछ। मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और प्रोजेक्टाइल्स, प्रोजेक्टाइल्स का पैरामीटर जिसको हम मोशन इन टू डायमेंशंस बोलते थे, तो वो भी जो है वो डिलीट हो गया। फिर फिफ्थ चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करवा के ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे, तो वो क्वेश्चंस भी अब नहीं आएंगे एनसीईआरटी सिलेबस से, वो भी डिलीट हो गए हैं। ये था फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से। फिजिकल वर्ल्ड पूरा चला गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, कुछ टॉपिक्स, और वर्क एनर्जी पार के, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कुछ टॉपिक्स, ये डिलीट हो गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 पे हमारे पास जो डिलीट हुआ है ये देखो, लेट मी इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। ये देखो चैप्टर नंबर 6 में से स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस, रोटेशन मैकेनिक्स का चैप्टर है, उसमें स्टेटमेंट्स ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस, इसकी स्टेटमेंट्स थी, ये हट गया। ग्रेविटेशन में से जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी की जगह एस्केप स्पीड हो गया। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस, चेंज टू शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब कुछ जो एलिमिनेट हो गया। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी सीबीएसई के सिलेबस से एलिमिनेट हो गई। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रोबेबली ग्रीन हाउस इफेक्ट को इसलिए डिलीट किया होगा क्योंकि जूनियर क्लासेस में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 10। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11, देखो चैप्टर नंबर 11 में अच्छा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 में आएगा थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस एलिमिनेट हो गया, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। अगर सपोज हम जेई की बात करें ना या नीट की बात करें तो एक क्वेश्चन हीट इंजन के ऊपर आते ही आता है। मैं फिर बार बार ये पॉइंट जो है ना वो कर रहा हूँ, इस पे प्रेशराइज कर रहा हूँ पॉइंट पे, कि जेई और नीट के सिलेबस में से कुछ डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ डिलीट हुआ है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर तुम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इन टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं, जैसे गैशियस स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ गैशियस स्टेट, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेसेस, ये ऐड हुए हैं। फिर आते हैं ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस में से डैम्ड ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस और रेजोनेंस, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी डिलीट हो गया। फिर आते हैं हमारे पास वेव्स, वेव्स में से डॉपलर इफेक्ट, जिसमें से फिर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है जेई में, तो डॉपलर इफेक्ट का भी जो पूरा प्रोसेस है वो सीबीएसई के सिलेबस से एलिमिनेट हो गया। तो ये तो 11th की फिजिक्स का पार्ट था, अब हम 11th की केमिस्ट्री में से देखते हैं क्या क्या एलिमिनेट हो गया।
केमिस्ट्री में सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, थॉमसन्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस। रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस ये एडेड टॉपिक्स हैं, ये ऐड हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना तुमने पढ़ा होगा, वो पढ़ते हैं ना वो तीनों मॉडल्स, पहले तुम्हारे पास थॉमसन प्लम्पुडिंग मॉडल होता है, फिर उसके बाद अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल और फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो एलिमिनेट हो गए, सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल जो है वो ऐड हो गया। फिर सेकेंड चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं हम चैप्टर नंबर थ्री में। चैप्टर नंबर थ्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, ये पूरा चैप्टर इलिमिनेट हो गया बेटा। हाइड्रोजन का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। एस ब्लॉक कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों चैप्टर्स खत्म हो गए, और एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर था वो भी डिलीट हो गया। देखो जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है अभी, खैर वो तो तुम्हें 12th में केमिस्ट्री में भी आता है। जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है इसमें वैसे भी क्रैमिंग पार्ट ज्यादा था, कुछ फैक्ट्स ज्यादा थे, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों खत्म हो गए हैं। हाइड्रोजन चैप्टर भी इलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इनके ऊपर फोकस नहीं करना सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ्स का सिलेबस। देखो मैथ्स में ना सेट्स सेट्स के सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेगी थोड़ी बहुत ही, उसके एनालिसिस की प्रॉब्लम्स बस। वैसे सेट्स चैप्टर रिमूव हो गया। रिलेशन एंड फंक्शंस का भी सिर्फ एक एनालिटिकल पार्ट है, बाकी वो पार्ट जो है वो रिमूव हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमूव हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस रिमूव हो गई क्योंकि 10th क्लास में भी तुमने पढ़ी हुई है। मैथमेटिकल इंडक्शन, ये बड़ा वो चैप्टर था, थेरेटिकल चैप्टर था, ये भी रिमूव हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर रिमूव हो गया। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज में से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो टू वेरिएबल्स की थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, मैं बार बार इसी पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन्स के सिलेबस से कुछ नहीं रिमूव हुआ, सिर्फ सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव हो गया। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा है बाकी नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम में, बाइनोमियल थ्योरम से बहुत कुछ रिमूव हुआ है, जैसे इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल्स, ये सब कुछ रिमूव हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज में से एपी प्लस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, ये भी रिमूव हो गया। एपी पूरा रिमूव हो गया क्योंकि तुम एपी को 10th क्लास में स्टडी करते ही हो इसलिए। स्ट्रेट लाइंस भी रिमूव हो गया। स्ट्रेट लाइंस में से रिमूव जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो रिमूव हुई है। कॉनिक सेक्शंस इंट्रोडक्टरी पार्ट रह गया। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला इसमें से रिमूव हो गया। तो ये सारी मैथ्स में चीजें जो है वो रिमूव हुई हैं। अगले चैप्टर में चलते हैं। मैथ्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट रह गया, बाकी रिमूव हो गया। मैथमेटिकल रीजनिंग MR होता है ना, जिसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पूरा चैप्टर रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये मैंने सारे कंपाइल कर दिए, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी। बायोलॉजी के नहीं कंपाइल किए, बायोलॉजी के तुम फिर दोबारा मैं किसी वीडियो में कंपाइल कर दूंगा। और ये पीसीएम का कंप्लीट हमने देख लिया कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो गए हैं। तो फिर से सिर्फ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली तुम इन टॉपिक्स को कंसिडर करोगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। इन टॉपिक्स को ना, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं इनको तुम नोट कर लेना अपनी नोटबुक्स में। तो बायो के टॉपिक्स भी मैं इसी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जो डिलीट हुए हैं। पहला लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में
टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमिकल, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सब कुछ डिलीट हो गया। प्लांट किंगडम में से प्लांट किंगडम का भी जो चैप्टर है वो रिमूव हो गया। मतलब प्लांट किंगडम में से जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो हैं एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, ये सब कुछ डिलीट हो गया। और जो टॉपिक ऐड हुए हैं वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली सोलेनेसी, बस ये टॉपिक ऐड हुआ है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी से फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ये तो नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, एनाटॉमी में से टिश्यू सिस्टम्स, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स का ये रिमूव हो गया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एन इंसेक्ट, कॉकरोच, डिलीटेड टॉपिक्स। लेकिन जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ए फ्रॉग। तुम बोलेगा अगर ना वीडियो को ना पॉज करके ना ये जो जो टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं उसको नोट कर लेना। फिर मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो गया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम फ्लोएम के थ्रू वो कंप्लीट रिमूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 में। पहले हमने कौन सा चैप्टर किया, ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 8 करते हैं पहले हम। ये देखो चैप्टर नंबर 8 में से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से सीड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियडिज्म, ये रिमूव हो गया। डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन पूरा चैप्टर ही रिमूव हो गया। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर, ये रिमूव हो गया। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में लिमिट्स, सॉरी ये तो मैथ्स का है। चैप्टर बस बायोलॉजी का यही लास्ट चैप्टर्स थे जो रिमूव हुए हैं, ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ। तो वीडियो को पॉज करके ना इन सभी चैप्टर्स को जो जो टॉपिक्स निकले हैं उसकी लिस्ट बना लो। और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली नीट में सारा ही आएगा। ठीक है, सो दैट्स द कंपाइलेशन। थैंक यू वेरी मच।